स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अवर नेक्स्ट सीरीज क्लास। सो स्टूडेंट्स, इस लास्ट क्लास में हमने हमारे फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट किए थे और आज हम करेंगे ट्रू और फॉल्स। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सो आवर क्वेश्चन इज WRIT राइट, TRUE ट्रू, OR FALECE फॉल्स, AGAINST against EACHEACH STATEMENT statement right, true or false against each statement। यहाँ पर आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट दिया गया उसके आगे ट्रू और फॉल्स लिखना। ओके, सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज HEAD had, IS THE TOP MOST topmost, PART part, OFO THE BODY body, head is the topmost part of the body। हमसे पूछा गया जो head होता है मीन सिर, सबसे topmost सबसे ऊपर वाला part होता है हमारी body का। Yes is the truth। यहाँ पे लिखिए TRUE। ओके, नाउ कम ऑन सेकेंड स्टेटमेंट HANDS हैंड्स, ARER USED यूज्ड, FOR WALKING वॉकिंग, हैंड्स आर यूज्ड फॉर वॉकिंग। हैंड्स मीन्स होता है हाथ, वॉकिंग मीन्स चलना, जो हाथ होते हैं वो चलने के लिए यूज करते हैं हम। गलत, यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स FALECE। ओके, नाउ थर्ड इज EXERCISE एक्सरसाइज, IS NECE SARY necessary, FOR STAYING staying, UNFIT unfit, exercise is necessary for staying unfit। exercise means होता है व्यायाम, आपको unfit रखती है यदि आप उसकी उसको करते हैं daily तो आपको unfit रखती है। is that false, हमें तो exercise fit रखती है, तो यहाँ पे लिखिए false। हमारा फोर्थ टिक द ट्रू और फॉल्स है REST रेस, REQUIRED रिक्वायर्ड, AFTER आफ्टर, DOING डूइंग, PHYSICAL फिजिकल, AND MENTAL मेंटल, WORK work, rest is required after doing physical and mental work। आप जब भी कोई physical या mental work करते हैं जिसमें आपकी brain का या दिमाग का use होता है तो आपको उसके बाद आराम करने की जरूरत होती है। Yes, यहाँ पे लिखिए true, TRUE। okay, now fifth true false is YOUSHOULD should, ALWAYS always, WER wear, CLEAN clean, CLOTHES close, you should always wear clean clothes। आपको हमेशा साफ सुथरे या साफ कपड़े पहनना चाहिए। स्टेट ट्रू, यहाँ पे लिखिए ट्रू, TRUE। ओके, तो हमारे ट्रू फॉल्स कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है MATCH मैच, TH द FOOLING फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ओके, सो अवर फर्स्ट वर्ड इज EAR ear, ear means होता है कान, और कान का यूज हम क्यों करते हैं, टू SMELL स्मॉल,
कुछ सूंघने के लिए, एस एल डबल ई पी स्लिप सोने के लिए, एस पी ए ए के स्पीक बोलने के लिए, एच ई ए आर हियर सुनने के लिए, एस डबल ई सी देखने के लिए। तो हम ईयर का यूज करते हैं टू हियर मीन सुनने के लिए। तो यहाँ पे लिखिए वन नंबर। अब हमारा सेकेंड वर्ड है ई वाई ई आई, आई मीन्स होता है आंख। तो अब हमारा आंख हम क्यों यूज करते हैं, देखने के लिए। तो टू सी का मीन्स होता है देखने के लिए। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर लिखिए, सी मतलब होता है देखना। ओके, हमारा थर्ड वर्ड है एन ओ ए सी नोज, नोज मीन्स होता है नाक। नाक का यूज क्यों करते हैं हम, टू स्मेल, टू स्लीप, टू स्पीक। स्मेल मीन्स कुछ सूंघना, स्लीप मीन्स सोना, स्पीक मीन्स बोलना। तो हम नाक का यूज करते हैं टू स्मेल, कुछ भी चीजों को सूंघने के लिए। ओके, जैसे खुशबू होती है, बदबू होती है। तो यहाँ पे लिखिए थर्ड नंबर। अब हमारा फोर्थ है एम ओ यू टी एच, माउथ। माउथ मीन्स होता है मुंह। तो हम माउथ का यूज कर, देखिए ये सब हो चुके। अब हमारे पास केवल दो ऑप्शन बचे हैं, टू स्लीप एंड टू स्पीक। स्लीप मीन्स होता है सोना, स्पीक मीन्स होता है बोलना। तो हम माउथ का यूज करते हैं टू स्पीक। यहाँ पे लिखिए फोर्थ नंबर। अब हमारा फिफ्थ है एन आई जी एस टी, नाइट। नाइट मीन्स होता है रात। और रात में हम क्या करते हैं, टू स्लीप। स्लीप मीन्स होता है सोना। तो यहाँ लिखिए फिफ्थ नंबर। सो स्टूडेंट्स, अवर बोथ क्वेश्चन यू कंप्लीटेड। नाउ वी विल डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।